हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 के पार्ट ए चैप्टर 1 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। इसमें हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशंस के टाइप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस की डेफिनेशन क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस फ्रॉम अ पर्सन और ग्रुप टू अनदर पर्सन और ग्रुप थ्रू म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस, सिंबल और सेमियोटिक रूल्स। द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस व्हिच मीन्स टू इम्पार्ट, टू शेयर, टू पार्टिसिपेट। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंज फैक्ट, आइडिया और ओपिनियन इन विथ वन अनदर। देखिए, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है कम्युनिस। इसका मतलब क्या है? हम अपने इंफॉर्मेशन, अपने आइडिया, अपने विचारों को शेयर करते हैं दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हिंदी में जानी जाए तो हिंदी में अगर हम उसे समझाएंगे तो देखिए, कम्युनिकेशन जिस मीडियम, माध्यम के जरिए हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। हम कम्युनिकेशन केवल भाषा का इस्तेमाल करके ही नहीं, बल्कि और भी कई तरीके होते हैं जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन करने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है। हम अपने विचारों को कोई को तो शेयर करेंगे, जिसके लिए हमें दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं तो मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। देखिए, मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द मैसेजेस इज ट्रांसमिटेड वर्बली। इट इज डन बाय वर्ड ऑफ माउथ और एज अ पीस ऑफ राइटिंग। देखिए, इसमें दो तरीके का बना हुआ है, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्ड्स और लैंग्वेजेस का यूज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। फर्स्ट है हमारा ओरल कम्युनिकेशन, सेकेंड है रिटन कम्युनिकेशन। अगर हम किसी से बोलकर अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। और सेकेंड है अगर हम किसी को टेक्स्ट करके, मैसेज करके और ईमेल करके या फिर लेटर सेंड करके मैसेज कर रहे हैं तो वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए इसके बारे में और डीप में पढ़ते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, फर्स्ट है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉल, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस ओवर इंटरनेट एटसेट्रा। हियर द कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग। देखिए, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर हम कोई व्यक्ति से अगर विचार शेयर कर रहे हैं बोलकर, फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या किसी से फोन में बात करके, या वीडियो कॉल या रेडियो के जरिए और टेलीविजन के जरिए अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है, क्योंकि हम उसमें वर्ड्स स्पीच करके, मतलब बोलकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अगर आप बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो फर्स्ट है इट ब्रिंग्स अ क्विक फीडबैक एज इट इज फेस टू फेस। देखिए, फीडबैक क्या होता है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर उस क्वेश्चन का अगर जो आंसर देता है, उसके मैसेज का जो रिस्पॉन्स करता है, वो हमारा फीडबैक कहलाता है। तो फर्स्ट है हमारा क्विक फीडबैक मिलता है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं, रिसीवर तुरंत सुनता है उसे और क्विक रिस्पॉन्स करता है। फिर सेकेंड, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन विथ अ स्कोप फॉर क्लैरिफिकेशन। ये दो वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें क्लैरिफिकेशन एकदम
क्लैरिफिकेशन से हम कम्युनिकेट करते हैं। फिर थर्ड है इट सेव्स टाइम, ये हमारा टाइम सेव करता है। अगर रिटन कम्युनिकेशन से कंपेयर किया जाए तो ये हमारा टाइम सेव करता है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में जल्दी से रिसीवर रिसीव कर लेता है कि सेंडर क्या कह रहा है। ऐसे हम टेक्स्ट सेंड करेंगे तो टाइम लगता है, तो इसमें हमारा टाइम भी बचता है। फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हम ओरल कम्युनिकेशन की। तो फर्स्ट है वन गेट्स लेस टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट ही शी इज डिलीवरिंग। देखिए हमें ओरल कम्युनिकेशन में कम टाइम मिलता है उस क्वेश्चन का आंसर देने में, मतलब उस मैसेज का रिस्पॉन्स करने में हमें कम टाइम लगता है। क्विक रिएक्शन में लीड टू आर्ग्यूमेंट्स, अगर हम क्विक रिएक्शन करते हैं जल्दी से बिना सोचे समझे अगर हम बातों का जवाब देते हैं तो वो कभी 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 आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। कभी कभी अगर हम बिना सोचे समझे किसी से किसी को रिस्पॉन्स करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, कभी कभी वो झगड़े की वजह बन जाती है। ठीक है, तो ये इसका मेन डिसएडवांटेजेस है। फिर हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। इन दिस मोड द रिटन साइन और सिंबल आर यूज टू कन्वे द मैसेज। द मैसेज कैन बी प्रिंटेड और हैंड रिटन एंड इंक्लूड्स ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। देखिए रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन में अगर हम कुछ लिख कर, चाहे वो मैसेज हो, लेटर हो, ईमेल हो, या हैंड रिटन कुछ भी हो, या फिर प्रिंटेड कुछ भी हो, आप टाइप करके अगर कुछ लिख कर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, फर्स्ट है इट गिव्स इनफ टाइम टू द सेंडर टू फ्रेम द मैसेज। ये टाइम बहुत ज्यादा देता है कि सेंडर जो है आराम से, आप जो है आराम से किसी के पास मैसेज सोच समझ कर सेंड करें। ठीक है, फिर सेकेंड है द मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज एंड करेक्शन कैन बी मेड मैनी टाइम्स बिफोर इट इज पब्लिश। देखिए आप सेंड करने से पहले कोई मैसेज आप बहुत बार उसे एडिट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे दोबारा पढ़कर देख सकते हैं कि सही मैसेज कर रहे हैं या गलत मैसेज सेंड कर रहे हैं आप। तो इसमें क्या है, आपको टाइम मिल रहा है कि आप उसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और पब्लिश करने से पहले उसको रिवाइज करके देख सकते हैं कि आप मैसेज सही तो कर रहे हैं। और ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन में आप जो बोलते हैं उसमें टाइम नहीं लगता है, आप जो बोल चुके हैं उसमें आप कोई डिलीट नहीं कर सकते, आप जो बोल दिए सो बोल दिए, है ना। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में आप अपने मैसेज को पब्लिश करने से पहले देख कर डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत लिखा है। तो ये इसका एडवांटेजेस है। फिर थर्ड है रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन ऑफ एवरी मैसेज सेंड। अगर आप किसी के पास मैसेज सेंड करते हैं उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है, ये टेक्स्ट मैसेज की बात कर रहे हैं। फिर फोर्थ है इट इनेबल द रिसीवर विद सफिशियंट टाइम टू फुली अंडरस्टैंड एंड सेंड अप्रोप्रिएट फीडबैक रिस्पॉन्स। देखिए रिसीवर को भी ये टाइम देता है कि रिसीवर जो है ढंग से उस मैसेज को पढ़े, फिर उसका अच्छे से रिस्पॉन्स करे। तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि रिसीवर और सेंडर सोच समझ कर कम्युनिकेशंस करते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। तो फर्स्ट है इट डज नॉट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक रिस्पॉन्स। तो इसका पहला डिसएडवांटेजेस है कि इसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें से क्या होता है फीडबैक जो रिस्पॉन्स होता है रिसीवर की तरफ से उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। सेकेंड है इट टेक्स मोर टाइम कंपोजिंग अ रिटन मैसेज एंड रिक्वायर गुड राइटिंग एबिलिटी। देखिए ये अगर हम कंपेयर करें ओरल कम्युनिकेशन से तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और फिर सेकेंड है कि इसमें अगर आप किसी के पास लेटर सेंड कर रहे हैं या फिर कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आपके पास गुड राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप अच्छे से रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यह एबिलिटी होगी तभी आपको अच्छा माना जाएगा रिटन कम्युनिकेशन में, अदरवाइज आपको सामने वाला जो रिसीवर है, अगर आप अपने बॉस के पास कुछ सेंड कर रहे हैं तो सामने वाला कोई रिसीवर है तो आपको जज करेगा कि इसको इसकी स्पेलिंग नहीं आ रही है। तो इसमें राइटिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमारे कम्युनिकेशन का सेकेंड मैटर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, द मसल्स ऑफ आवर फेस कन्वे आवर इमोशंस, वी कैन सेंड अ साइलेंट मैसेज विदाउट सेइंग अ वर्ड। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड, ओनली यू कैन यूज सम फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस एटसेट्रा टू कम्युनिकेट अदर्स।
देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप कोई वर्ड और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, आप सिर्फ अपना फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज या फिर अपेरेंस, आप कैसे दिखते हैं उसका इस्तेमाल करके आप कम्युनिकेशंस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो फर्स्ट एलिमेंट है अपेरेंस, मतलब आप कैसे दिखते हैं, वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आ जाता है। द स्पीकर्स क्लॉथिंग, हेयर स्टाइल, नीटनेस एंड एनवायरमेंट विच इंक्लूड्स रूम साइज, लाइटिंग एंड फर्निशिंग हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, आपका क्लॉथ, आपका पहनावा, आपका हेयर स्टाइल, आप कितने साफ सुथरे हैं, या फिर आप किस रूम में रह रहे हैं, रूम का साइज, वहाँ की लाइटिंग, जिस एनवायरमेंट में आप बात कर रहे हैं वहाँ की लाइटिंग, वहाँ का रूम साइज, ये सब जो है, ये सब इम्पैक्ट करता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में। फिर सेकेंड है टोन। तो डिफरेंट टोन कैन चेंज द परसीव मीनिंग ऑफ अ मैसेज। द टोन गिव्स इम्फेसिस टू द मैसेजेस एंड शोज हाउ क्लियरली इट कैन बी ट्रू। देखिए, कभी कभी आपका टोन भी जो है, आपका टोन तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपका टोन भी बहुत मायने रखता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टोन से अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी से बोल रहे हैं अभी यहाँ से जाओ, तो आप अच्छे से बोल रहे हैं, जैसे अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन आपकी पिच, जो टोन की पिच है, वो बहुत हाई है, आपका वॉल्यूम हाई है, तो आप अगर पॉजिटिव चीज़ भी बोलेंगे तो सामने वाला रिसीवर है वो सोचेगा कि आप निगेटिव, मतलब आप गुस्सा होकर उसके सामने बोल रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे आप यहाँ से जाओ, तो अगर आप तेज बोल रहे हैं आप यहाँ से जाओ, तो उसे लगेगा कि आप उससे गुस्से में बात कर रहे हैं। तो आपका टोन भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आ जाता है। फिर थर्ड है आई कांटेक्ट। द स्टाइल एंड ड्यूरेशन ऑफ आई कांटेक्ट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट अक्रॉस द ग्लोब। लुकिंग इन टू द आईज एंड टॉकिंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ ट्रस्टवर्थीनेस एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, आई कॉन्टैक्ट, अगर आप किसी से आई कॉन्टैक्ट करते हैं, ये भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट है, अगर आप किसी से आई कांटेक्ट रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके बिना बोले समझ जाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और फिर सेकंड है कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं अगर आप किसी से आई कांटेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। टू बी अ मोर इफेक्टिव कम्युनिकेटर वी नीड टू अलाइन अवर बॉडी लैंग्वेज एंड टोन विद द वर्ड्स वी आर ट्राइंग टू कन्वे। देखिए, आपके बॉडी लैंग्वेज भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में होता है। जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज डिफाइन करता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपके बॉडी लैंग्वेज से ही आपको जज कर लेता है कि आप कैसे हैं, आप अभी उस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जैसे इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज दी गई है। जैसे अगर आप इस तरीके से बैठते हैं तो इसका मतलब होता है ओपननेस, आप खुले हैं, ठीक है, आप खुले हुए व्यक्तित्व के हैं। फिर सेकेंड है डिफेंसिवनेस। फिर एक्सपेक्टेंसी, फ्रस्ट्रेशन, अगर आप सर खुजला रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा आप फ्रस्ट्रेट है। फिर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, फिर सस्पिशन, सेल्फ कंट्रोल, नर्वसनेस, इस तरह से अगर बैठेंगे नर्वसनेस, फिर रेडीनेस, फिर बॉर्डम, कॉन्फिडेंस और इनसेक्योरिटी। ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है, इस तरीके से बैठे बैठे हैं आप अगर, तो कॉन्फिडेंस बताएगा। और अगर इस तरीके से अगर आप बैठते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा आप इनसेक्योर फील कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। आवर फेस कन्वेज बेसिक इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विद अ स्माइल ऑन द फेस, फियर विद एन ओपन माउथ एंड वाइड आइड स्टेयर। देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन में हम कोई वर्ड बोलते नहीं है, कोई ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, फिर भी सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में इंफॉर्मेशन जान जाता है, हम कैसा फील कर रहे हैं ये जान जाता है। देखिए, हमारे फेस से, जैसे आप इस कार्टून को देख रहे होंगे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, ये आपको पता है, ये आपसे बोल नहीं रहा है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन नॉन वर्बली आपसे कम्युनिकेट कर रहा है अपने फेस एक्सप्रेशन से। देखिए, फेस एक्सप्रेशन से आप जान गए कि ये गुस्सा है, एंगर है, ये जॉय है, ये सरप्राइज है, ये डिस्गस्ट है, ये सैडनेस है और ये फियर है। ठीक है, तो ये बिना बोले और बिना राइट किए, बिना ओरल कम्युनिकेशन, बिना रिटन कम्युनिकेशंस के फेशियल एक्सप्रेशन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होता है, जिसमें आप जो है बिना बोले, बिना रिटन कुछ राइट करे, कम्युनिकेट करे, आप अगर अपने एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशंस करते हैं तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहलाता है। ठीक है,
फिर हमारा थर्ड मेथड है कम्युनिकेशन का, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड इमेजरी। इट इंक्लूड साइंस, ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन एंड एडवर्टाइजिंग, एनिमेशन, कलर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस। ऐसा कम्युनिकेशन होता है विजुअल कम्युनिकेशन जिसमें हम विजुअली मतलब लोगो, इमेज, वीडियो डिस्प्ले करके कम्युनिकेट करते हैं। जैसे फेसबुक या यूट्यूब पर लाइक का निशान होता है, आप क्या करते हैं उस लाइक बटन को क्लिक करते हैं। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो आप सामने वाले व्यक्ति को क्या बताते हैं, जो यूट्यूबर होता है जिसकी वीडियो आप लाइक करते हैं, तो आप उसको क्या बताते हैं, आपको वो वीडियो पसंद है ना। तो अगर जैसे हम बात करते हैं, आपके सामने अगर कोको कोला का लोगो मिल जाए तो आपके दिमाग में तुरंत उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आप जो है ये कोको कोला जो है एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है ना। अगर जैसे आपके सामने KFC का लोगो आता है तो आपके दिमाग में तुरंत फास्ट फूड के बारे में आप सोचने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने एड्स से आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं कि उनकी कंपनी कौन सी है और ये लोगो किस लिए है। ठीक है, आप मतलब कोई इंफॉर्मेशन को विजुअली आपके सामने डिस्प्ले करके कोई आइडिया आपके माइंड में डेवलप कर देना, वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, और विजुअल कम्युनिकेशन हमारा टोटल जो है आई साइट, साइन, एडवर्टाइजिंग, ड्राइंग, ग्राफिक्स पर डिपेंड होता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइंस है जो आपको विजुअली आप देख कर इस साइन को समझ लेते हैं। जैसे जहाँ पर स्टॉप साइन रहता है तो आप स्टॉप हो जाते हैं, जहाँ पर स्लो होता है आप स्लो में चलने लगते हैं। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की विजुअल कम्युनिकेशन की। विजुअल एड्स कैन हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द की फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोडक्ट। देखिए विजुअली एड्स अगर आप देखते हैं तो उसमें सारे की फीचर्स, जो मेन फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के और ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सारे आ जाते हैं। फिर सेकेंड, इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑन पीपल हु मे नॉट हैव द एबिलिटी टू रीड बट हैव द विजुअल एबिलिटी टू कम्प्रेंड। देखिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लैंग्वेज है विजुअल कम्युनिकेशन। बहुत अच्छी कम्युनिकेशंस होती है जिसमें जो व्यक्ति जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो विजुअली देख कर ही वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। फिर थर्ड है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इज लेस एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो देख के जल्दी समझता है। आप जो है कुछ चीज़ें सुनकर, सुनने का अगर आप सुनकर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं और देख कर सीखना चाहते हैं, तो आप देख कर जो चीज़ सीखना चाहते हैं वो जल्दी सीखेंगे। तो विजुअल कम्युनिकेशन में अगर आप कुछ चीज़ देखते हैं तो वो जल्दी आपको अंडरस्टैंड हो जाता है, जल्दी आपको समझ में आ जाता है। तो अदर कम्युनिकेशन मैथड से कंपेयर में विजुअल कम्युनिकेशन मैथड जो है इजली अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, फिर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। तो फर्स्ट है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इज दैट इट इज़ एक्सपेंसिव। अगर हम किसी कोई ऐड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, एक्सपेंसिव है। फिर सेकेंड है, ऑल द टॉपिक्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एट वंस इन अ सिंगल विजुअल एड। अगर आप बहुत सारे टॉपिक्स का ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे आप आपकी कंपनी है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए आपको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपका एक फेयरनेस क्रीम का कोई प्रोडक्ट है, या फिर कोई सोप का प्रोडक्ट है, या कोई बुक्स ले लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं तो उनका अगर आपको ऐड करना है तो आप अलग अलग बैनर प्रिंट करवाएंगे, तभी आप जो है अलग अलग प्रिंट करवा के अलग अलग जगह उस बैनर को लगवाएंगे, तभी आप जो है उस बुक्स के बारे में बता सकते हैं, है ना। जैसे आपके पास हिंदी, इंग्लिश और साइंस की बुक है, उसके बारे में फीचर्स जो है आप एक ही ऐड में अगर कर देंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ऑल टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, उसे आप सिंगल विजुअल ऐड में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, आपको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड है, विजुअल कम्युनिकेशन इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है। अलॉट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट विजुअल एड्स। विजुअल एड्स को क्रिएट करने में बहुत सारा टाइम लगता है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।